Yeah. हेलो गाइज, आज हम जा रहे हैं सुनबील एंड अभी फिलहाल हम लोग बदरपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल का साइड पे हो एंड इधर एक बाई लिंक रोड गया था विलेज गांव के लिए, तो हम इस रोड पे जा रहे हैं शॉर्टकट के लिए एंड बदरपुर से सुनबील ऐसे 60 to 80 किलोमीटर से कुछ होगा एंड हम शॉर्टकट के लिए जा रहे हैं एंड आप लोगों को आज पूरे फुल वीडियो में दिखाऊंगा कैसे हम जा रहे हैं सुनबील एंड शॉर्टकट के लिए कैसे कैसे कौन सी रोड होता है एंड वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा एंड रोड पे जाने का टाइम जो कुछ मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग मेन रोड पे ही आ गए एंड यहाँ से 1 or 2 किलोमीटर्स के बाद एंगला बाज़ार आ जाएगा एंड आपको हम लोग यही बता देते हैं सुनबील एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड है एंड ये हमारा मतलब आसपास ही है लेकिन हम मतलब टाइम से मतलब जा नहीं पाते, लेकिन कोई नहीं, हम आज जा रहे हैं और अभी बहुत दिन मतलब बाद ही मतलब प्लान करके जा रही है एंड सुनबील देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं एंड अभी फ़िलहाल हम लोग एंगला बाज़ार पहुँचने वाली है, ये एंगला बाज़ार ही है यहाँ एंड ये देख सकते हो आप यहाँ रोड का कंडीशन मतलब इतना देख सकते हो, पूरे गलावन से पानी नहीं, पूरे रोड से पानी आ गया एंड हम बहुत अच्छा से ड्राइव करके ही जा रही है क्योंकि मतलब अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो हम पूरे गिर जाएंगे नीचे, सो इसीलिए हम पूरे स्लोली एंड ड्राइव करके जा रही है एंड यही है एंगला बाज़ार है एंड आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल ये रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए इधर ब्लॉक फैला है एंड ये भी देख सकते हो इधर भी पानी हो गया मोए मोए एंड देखो आप देखते रहिए हमारा ब्लॉग को, ऐसे हम मतलब भी दिखाने के लिए आप लोगों को ब्लॉग ही बना रही है एंड आप लोग इस साइड पे इस रोड पे जा सकते हो, इस रोड पे जा सकते हो, लेकिन हम लोग यही वाला रोड चूज कर रहे शॉर्टकट के लिए एंड तो फिलहाल सुनबील की बात करते हैं। जैसे मैं वीडियो का शुरू में बोला था, सुनबील एशिया का सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड है एंड ये टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस रहती है, मतलब लोग देखने के लिए आते हैं और रेनी सीजन में, दैट इज़ समर सीजन एंड अभी फ़िलहाल इस सुनबील में इतना वाटर नहीं, पानी नहीं है बिकॉज वाटर ड्राई अप, अभी ड्राई सीजन चल रहे हैं एंड सो इसीलिए मतलब वाटर लेवल अभी मतलब कम होएगा, बहुत कम हो गया, मान लो हाफ हो गया एंड हम आपको यही बता देते हैं जो समर सीजन में उसका वाटर लेवल 9800 हेक्टर्स रहती है एंड ऑन विंटर सीजन, दैट इज़ ड्राई सीजन, उसका वाटर लेवल गार्ड के 4388 हेक्टर्स रहती है वाटर लेवल, तो सोच सकते हो पूरे सीधा हाफ डिफरेंस है वाटर लेवल की, तो एंड उसका जो डेप्थ है ऑन एन एवरेज सुनबील का वाटर लेवल की एंड उसका जो गहराई रहती है वो 1.5 मीटर रहती है, दैट इज़ 4.9 फीट, यहाँ से आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा गहराई रहती है एंड अगर आपको आना है सुनबील तो आप रेनी सीजन पे ही आइए और भी अच्छा रहेगा एंड ये देखिए रोड का कंडीशन इतना ख़राब है, हम पहले सोचा ये सुनबील है, बाद में मैं और मेरा दोस्त बहुत रिसर्च वगैरह करके देखा था नहीं, ये सुनबील नहीं हो सकती बिकॉज़ हम भी पहली बार जा रहे हैं सुनबील, तो पता नहीं शायद ये भी सुनबील हो सकती है, मजाक के लिए बोल रहे हो, लेकिन अगर आपको सुनबील आना है तो ऐसे रोड आपको देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई बहुत कष्ट करके आना पड़ेगा मेन रोड। एंड अभी देख सकते हो आप लोग हम बर्तोल इलाका साइड पे आ गए अभी एंड यहाँ पे कुछ दुकान है एंड दुकान का साइड पे एक रोड गया था, इस रोड पे एक हम जाने वाला थे, ये देख सकते हो एक रोड है ये दुकान का पास ही, तो ये इस रोड पे हम जाने वाले थे, अगर आप लोग भी आने वाला तो इस रोड पर मतलब जा सकते हो आप लोग शॉर्टकट के लिए, बहुत अच्छा होगा
एंड यहाँ पे एक देख सकते हो एक बहुत बड़ा एक ऑफिस है यहाँ पे, मतलब पता नहीं किस कौन सा ऑफिस है, ऑफिस लिखा है देख रही है। एंड आप देख सकते हो इस रोड पे जा सकते हो आप लोग। एंड आप देख सकते हो हम मोहम्मदपुर आ ही गया, एंड बर्तोल से मोहम्मदपुर बहुत कॉस्ट करके आया था। एंड अगर आप मोहम्मदपुर आ ही गया तो आप समझ लेना आप सोनबिल का आसपास ही हो। एंड अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, जो भी है आप गेट देखोगे यहाँ पे देख सकते हो मोहम्मदपुर SC Part 1 ऐसे करके कुछ लिखा है। एंड यहाँ से मतलब सोनबिल कितना किलोमीटर होगा, 3 to 4 किलोमीटर्स के आसपास ही होगा, एंड इतना दूर नहीं है। एंड देख सकते हो ये यहाँ पे स्कूल ख़त्म हो गया, बच्चों लोग साइकिल राइडिंग करके घर जा रहे हैं, बहुत पढ़ाई करके जा रहे थे। ये देखिए एक लड़का है हमको देख के, वो मतलब साइकिल को इतना स्पीड तेजी से मतलब चला रही है। एंड और एक लड़का ये देखिए वो हमको बोल रहा है रेस करना है क्या, रेस करना है क्या आपको। हम बोला नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करिए, तो वो बोल रहा है नहीं नहीं आपसे नहीं हो पा रहा, डर गए क्या ऐसे से बोल रहा है। मतलब हम बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसे मत करो। तो मैं और मेरा दोस्त तो मतलब ऐसे बात करने लग गए एक और दूसरे से, हम भूल गए और पीछे से आ रहे हमको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमको पीछे से फॉलो करके इतना दूर आ रहा है। तो सडनली हम मतलब उसको देखा था यहाँ पे देखिएगा, एंड हमको बोल रहा है रेस करना कर करके ही मतलब इधर गए चला गया था सडनली। मतलब एक्सीडेंट हो जाता है अगर स्पीड से जाते हम, मतलब हम भी स्लोली ही जा रहे हैं ना। एंड हम पेरेंट्स वालों को यही बताना चाहती कि छोटा बच्चा को ऐसे साइकिल या व्हीकल देने में सोचना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट का चांस रहती है, वो एक्सीडेंट से इतना नहीं सोचते, इसीलिए बोल रहे हो हम। एंड फाइनली हम लोग सोनबिल का मेन रोड है, जो मेन रोड रहती है यहाँ पे हम आ गया। एंड बहुत दूर से आया था, एंड यहाँ पे देख सकते हो पूरे खाली मैदान रह गया। एंड यहाँ पे एक दवा है, एंड कुछ दिन पहले एक शॉप चला था यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो, गेट पे सोनबिल एंड फेस्टिवल था कुछ, एंड 26 to 24 to 26 फेब्रवरी था, हम आने में लेट हो गया। एंड यह देख सकते हो पूरे यहाँ पे खाली मैदान है, एंड सामने तो और जगह है आप देख सकते हो, इस साइड पे जूम करके दिखाते हूँ मैं आपको, देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोनबिल का नज़रिया। एंड फाइनल गाइज हम लोग पहुंच गए सोनबिल बहुत कष्ट करके, एंड यहाँ पे हमारा बाइक को पार्किंग करके हम पूरे सोनबिल को एक्सप्लोर करने वाला है। एंड ये है सोनबिल का मेन व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप पूरे सोनबिल का व्यू ले सकते हो, व्यू देख सकते हो। एंड हम आने में देर हो गए, यहाँ पे आज लोग कम है बिकॉज कल एक कल यहाँ पे उत्सव था, कल ही खत्म हो गया था, तो इसीलिए आज इतना लोग नहीं है उत्सव। एंड अगर आप सोनबिल आने वाला तो आप रेनी सीजन पे आएगा, आप जहाँ पर हम खड़ा है यहाँ तक पानी आ जाते हैं रेनी सीजन पे। Thank you.